हेलो एवरीवन, मैं ग्लोटस से सीमा शर्मा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन आएगा उसको जरूर क्लिक करें ताकि मैं कभी भी नई वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम डायरेक्ट कंटेनर में ही क्रीम बनाने वाले हैं, मॉइस्चराइज़र क्रीम बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए, ये मैं कंटेनर ले रही हूँ, ये पूरा सूखा है, गीला नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं पेट्रोलियम जली वैसलीन ले रही हूँ। वैसलीन तो मॉइस्चराइज करता ही है स्किन को, बट और भी इसकी मॉइस्चराइजर पावर बढ़ाने के लिए हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, ग्लिसरीन मैं ले रही हूँ। ग्लिसरीन ड्राई स्किन के लिए वरदान के समान है। यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने छोटा चम्मच लिया है, अगर आप बड़े चम्मच लेते हैं तो 2 चम्मच आप ग्लिसरीन इसमें ऐड कर लें। इसके बाद से यहाँ पर मैं विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ, वो भी 3 कैप्सूल हमें ऐड करनी है इसमें, और तीनों का ऑयल कुछ इस तरीके से इसमें निकाल लेना है। ये जो मैं मॉइस्चराइज़र क्रीम बना रही हूँ, ये जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है उनके लिए वरदान के समान है, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और स्किन जो है ड्राई होने के कारण खिंचने लगती है और वो फटने लगती है। आपकी स्किन फटे ना, इसके लिए आपको ये मॉइस्चराइज़र क्रीम बना लेना चाहिए। इसका ज़्यादा असर जब होता है जब आप रात को सोते समय लगाते हैं। इस मॉइस्चराइज़र क्रीम को आप फेस पर भी लगा सकते हैं और अपने हाथों में भी लगा सकते हैं। अगर आप रात को लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा असर करेगा आपकी स्किन पर, और इसे मॉर्निंग में जब अपने फेस को वॉश कर लें तो ये ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करें। इसे बच्चे भी फेस पर लगा सकते हैं और बड़े भी इसे लगा सकते हैं। इस क्रीम को सभी एज ग्रुप वाले लगा सकते हैं और ये आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा, यानी आपकी जो ड्राई स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।